हेलो एवरीवन, बाना मार्बल के इस चैनल और इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो जो मकराना पिंक के ऊपर होने वाली है और मकराना मार्बल जो पिलर होते हैं उन पे कैसा लगता है वो भी इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा। तो अच्छी वीडियो जाने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए बात करते हैं, जो ये आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये लाइट पिंक के अंदर है और इसके अंदर ओनली 2 सूत की बॉर्डर पट्टी का यूज़ लिया गया है। आप देख सकते हो ये पिंक कलर जो है ये डूंगरी पिंक में है, डूंगरी लाइट पिंक बोलते हैं इसको, और ये मकराना की ही क्वालिटी आती है। और ये आप जो देख रहे हो पिलर के ऊपर ये डूंगरी क्वालिटी के अंदर जो लगा हुआ है ये पिंक नहीं है, ये ओनली डूंगरी है जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है और दीवार के ऊपर जो लगा हुआ है सामने, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। पहले बात करते हैं अपन इस पिलर के ऊपर, इस पिलर के ऊपर जो डूंगरी मटेरियल लगा हुआ है इसकी प्राइसिंग रेंज अप्रोक्स 90-100 रुपीस के अप्रोक्स ये आज की रेट पे मिलता है। और ये अभी इसको आप देख सकते हो कि इसकी शाइनिंग सेम है, चाहे इसके ऊपर धूप आए चाहे इसके ऊपर बारिश का पानी लगे, बट कोई भी चेंज नहीं आया। और रही बात जो दीवार के ऊपर है वो सेम क्वालिटी के अंदर है जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हो कि कोई भी इसके अंदर क्वालिटी में ख़राबी नहीं आई है लगाने के बाद। जैसा है वैसे का वैसा ही रहा है, ना कभी इसमें डलनेस आई है, वाइटनेस कम नहीं हुई, सब कुछ है जैसा रहा है आप देख सकते हो। और इसके ऊपर पिंक की बॉर्डर दी गई है आप देख सकते हो, और आपको फिगर दिख रहा होगा ये डायमंड पैटर्न के अंदर है, डायमंड पैटर्न के अंदर डूंगरी इस तरह की आती है। बात करते हैं पिंक मकराना की, ये जो पिंक लाइट पिंक है ये स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर है। आपको पिंक इतना पिंक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये लाइट पिंक कलर है। पिंक भी एक मकराना की ही क्वालिटी है, जो अगर अपन बात करते हैं इसमें भी माताबर पिंक, डूंगरी पिंक, अल्बर्टो पिंक और चक डूंगरी पिंक आता है। तो इसकी प्राइसिंग पिंक की भी आप मान सकते हो 45 रुपीज़ में आपको अच्छी क्वालिटी का माताबर का पिंक मिल जाता है, 45-50 रुपीज़ में। और डूंगरी का अपन अगर पिंक लेते हैं तो अप्रोक्स अपन को डूंगरी और चक डूंगरी का 100 रुपीज़ लगते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा ये मटेरियल जो है ये अप्रोक्स 100 रुपीज़ के आसपास का ये मटेरियल है जो आप ये फ्लोरिंग देख रहे हो। अगर किसी को भी इस तरह का पिंक चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपल और नॉर्मल लुकिंग दी गई है, कोई भी डिजाइन बॉर्डर पट्टी का यूज़ नहीं लिया है, फिर भी इसका कितना शानदार लुक आ रहा है आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं स्टेयर्स की, स्टेयर्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा कितना जिगजैग पैटर्न बन रहा है और कितना क्लियर इसका पैटर्न आपको दिख रहा होगा। आपको एक एक जॉइंट मतलब कितना यूनिफॉर्म तरीके से इसकी फिटिंग की गई है, कितनी सुपीरियर क्वालिटी से इसकी फिटिंग की गई है आप आइडिया लगा सकते हो। एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसका मिल रहा है, यही खासियत है। मकराना मार्बल को क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है और उसकी वाइटनेस के लिए भी। तो ये जो स्टेयर्स पे पिंक लगा हुआ है इसकी प्राइस भी अप्रोक्स 110-120 के रुपये के आसपास मिलता है। ये जो है ये अल्बेटा, अब जो ये आप देख रहे हो ये मकराना अल्बेटा के कट पीस हैं। जैसे अलग अलग माइंस का मटेरियल आता है वैसे भी इसके कट पीस भी अल्बेटा के अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें सारा ये सिलेक्टिव मटेरियल है, एक ही लाइनिंग है, इसमें सब स्ट्रेट लाइनिंग है, तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है अगर अपन ओनली एक कलर का लेते हैं। आप देख सकते हो पिंक और अल्बेटा वाइट में कितना चेंजेस रहता है वाइटनेस का और क्वालिटी का, दोनों में आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा। अब आपको स्टेयर्स में मैं और दिखाता हूँ पास से, इस पर नॉर्मल मोल्डिंग की गई है, कोई भी और बॉर्डर डिज़ाइन का यूज़ नहीं लिया है। और ये बड़ी स्लेब का अगर होता तो ऐसा लुक आता, अगर बड़ी स्लेब इसका यूज़ लेते। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी शानदार इसकी शाइनिंग आ रही है। अब बात करते हैं इनके छत के ऊपर जो लगा हुआ है, इन्होंने मिक्स में मटेरियल लगाया है, जो वेस्टेज इनके घर में निकला था फ्लोरिंग के बाद उस मटेरियल को और कुछ जितना कम पड़ा उसी क्वालिटी के अंदर इन्होंने पिंक में कट पीस परचेज करे और ये मटेरियल दोनों को मिक्स में लगा दिया, जिनसे इनके घर का अच्छा फ्लोरिंग हो गई छत की भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।